Assalamu alaikum dear viewers, this is Mask Raja, founder of AskMask.com. Dear viewers, aaj hamari video ka topic hai PTW, Permit to Work System. यानी वर्क परमिट सिस्टम भी आप उसको कह सकते हैं, परमिट टू वर्क भी कह सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे आप उसको वैसी प्रोनाउंसिएशन में लिए और वैसे उसको वर्डिंग में लिए. परमिट टू वर्क, वर्क परमिट, सेम चीज है दोनों. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्क परमिट बेसिकली क्या चीज होती है. वर्क परमिट यार ये होता है कि आपने कोई भी ऐसा नॉन रूटीन टास्क आउट ऑफ द डेजिग्नेटेड एरिया करना है या फिर कोई भी ऐसी जॉब परफॉर्म करनी है आउट ऑफ द डेजिग्नेटेड एरिया जो किसी किस्म का हैजर्ड क्रिएट कर रही हो, तो वो उसके लिए फिर परमिट वर्क या फिर वर्क परमिट चाहिए होता है. जैसे कि मिसाल के तौर पे इफ़ यू आर परफॉर्मिंग मेंटेनेंस वर्क इन वर्कशॉप, वो वर्कशॉप उसी पर्पज़ के लिए डिज़ाइन है, तो यू डोंट नीड एनी वर्क परमिट. बट अगर आप वही मेंटेनेंस जॉब आउट ऑफ द वर्कशॉप कर रहे हैं, किसी और जगह पे कर रहे हैं जो उस काम के लिए डिज़ाइंड नहीं है, तो फिर आपको वर्क परमिट चाहिए होता है. तो ये एक छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग है वर्क परमिट की. अब बात करते हैं हम इसकी टाइप्स की कि ये कितनी टाइप्स का होता है. अच्छा, हम यहाँ पे बात करेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग की, बेसिक नॉलेज की. जो टाइप्स हैं वो डेफिनेशंस है, वो कंपनी टू कंपनी, स्टैंडर्ड्स टू स्टैंडर्ड्स वेरी करती है. तो हम सारों को समराइज करके जो बेसिक चीज निकलती है या कॉमन चीज निकलती है उसको सिर्फ हम डिस्कस करेंगे. तो नंबर वन आ जाता है इसका कोल्ड वर्क परमिट. कोल्ड वर्क परमिट क्या है? यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपने परफॉर्म करनी है जिसमें ना आग लगने का खतरा है, ना बिजली का खतरा है, या आपने जस्ट एक किस्म का कील ठोकना है यूं कह लो, या फिर एक ऐसी मेंटेनेंस करनी है जिसमें हैजर्ड्स तो हैं बट कोई क्रिटिकल चीज़ नहीं है, ठीक, तो वो कोल्ड वर्क परमिट के अंदर आ जाएगा. ये आमतौर पे हर किस्म की एक्टिविटी के लिए इशू किया जाता है. लेकिन इसके साथ जो है विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ दैट हैजर्ड या फिर रिस्क आउटकम जो होता है, वो एडिशनल एक वर्क परमिट भी इशू कर दिया जाता है. जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल हॉट की, हॉट वर्क परमिट. कोई भी ऐसा काम जिसमें आग लगने का खतरा हो, चिंगारी पैदा होने का खतरा हो, उसके लिए भी हॉट वर्क परमिट जाता है. और अगर चिंगारी और उसका नहीं है खतरा, तो फिर कोल्ड वर्क परमिट में जाएगा. देन आ जाता है इलेक्ट्रिकल. अब इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट जो है इसमें भी चिंगारी का खतरा है, इसमें भी आग लगने का खतरा होता है. तो हॉट वर्क परमिट एंड इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट ये दोनों इकट्ठे भी एक ही काम के लिए इशू हो सकते हैं. या फिर एक वर्क परमिट के ऊपर आप मल्टीपल चीजें पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं, उसके ऊपर आप हॉट एंड इलेक्ट्रिकल दोनों टिक कर देते हैं. इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट जब आप इशू करते हैं तो इसके साथ पैरेलल एक वो चीज होती है लोटो, लॉकआउट टैगआउट की रिक्वायरमेंट, वो भी इशू करते हैं. डिपेंड करता है कि काम किस जगह पे हो रहा है, लाइव पे हो रहा है के डेड पे हो रहा है, और लोटो की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है उसके अकॉर्डिंगली असेस करके. अगर तो लोटो की रिक्वायरमेंट है तो आप अपने वर्क परमिट के ऊपर मेंशन कर सकते हैं ये लोटो की रिक्वायरमेंट और आइसोलेशन रिक्वायर्ड है, फिर आइसोलेशन पैटर्न के अकॉर्डिंगली आइसोलेट करते हैं. या फिर लोटो को आप सेपरेटली भी वो क्या फॉर्मेट बना के इसका फिल कर सकते हैं. इलेक्ट्रिकल के ऊपर टिक किया लोटो रिक्वायर्ड, लोटो का अलहदा फॉर्मेट बना लिया, ये एक बना ले सेपरेट बना ले, कोई इशू नहीं है. देन आ जाता है वर्क एट राइट. यानी अगर आपने ऊंचाई पे काम करना है या फिर किसी ऐसी सतह पे काम करना है जो जमीन से बाला है, ऊंची है, और आपको गिरने का खतरा है, तो वहां पे वर्क एट हाइट का परमिट होगा. और अगर आप हाइट पे बिजली का काम कर रहे हो तो आपके परमिट के ऊपर वर्क एट हाइट एंड इलेक्ट्रिकल दोनों को टिक किया जाएगा. और अगर आप हाइट पे वेल्डिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, तो फिर वर्क एट हाइट के साथ आपको हॉट का भी होगा. और अगर आप सिर्फ क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मालियों को टास्क मिला के ऊपर से क्या कहते हैं दरख्त की टहनियाँ काटनी है, तो फिर वर्क परमिट होगा वर्क एट हाइट का और साथ कोल्ड का. जस्ट एक एग्जांपल आप करिए. देन आ जाता है सिविल. यानी कहीं पे भी डिगिंग रिक्वायर्ड है, अगर ठीक कोई भी ऐसा काम करना है जिसमें डिगिंग एक्सकवेशन रिक्वायर्ड हो, तो वो सिविल की वर्क परमिट आ जाएगा. अब ये भी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है. कुछ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर में जो है आ जाता है 6 इंच तक के भी हैं,
उससे अगर बियॉन्ड डिगिंग करनी है तो वो सिविल का आ जाएगा, और इसी तरह कहीं पे 1 फुट आ जाता है, कहीं पे 2 फुट आए तो आप स्टैंडर्ड चेक कर लीजिएगा, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। ओशा का मैं स्टैंडर्ड से नहीं बताऊंगा, सिर्फ जो है ना वर्कलोड की बेसिक्स, हो सकता है मुझे स्टैंडर्ड आता भी ना हो। देन सिविल वर्क के लिए सिविल वर्क परमिट। फिर आता कन्फाइंड स्पेस, यानी किसी ऐसी जगह पे आपने काम करना है जो कन्फाइंड स्पेस की डेफिनेशन के मुताबिक हो, उसके अंदर कन्फाइंड स्पेस का वर्क परमिट आ जाएगा। तो उसमें जब वर्क परमिट इशू होगा तो कन्फाइंड स्पेस के तमाम पैरामीटर्स को चेक किए जाएंगे। ये एक बड़ा सा फॉर्मेट बना के सारे इसके ऊपर मेंशन करके टिक किए जा सकते हैं, कौन कौन सी नेचर ऑफ जॉब है और कौन सा वर्क परमिट जाएगा, या फिर इसके लिए हर नेचर ऑफ वर्क परमिट हर नेचर ऑफ जॉब के लिए सेपरेट भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कन्फाइंड स्पेस में आपने वो वेल्डिंग करनी है तो इसके अंदर आपको मल्टीपल वर्क परमिट्स जाएंगे, कन्फाइंड स्पेस का भी जाएगा, हॉट वर्क परमिट भी जाएगा और इलेक्ट्रिकल भी जाएगा, क्योंकि उसके अंदर सारी की सारी जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होगी वो बिजली का जो होगा निज़ाम उसके भी होगा। और इफ यू आर यूजिंग क्या कहते हैं DC रिकमेंडेड वो पोर्टेबल टॉर्चेज, तो फिर आपको इलेक्ट्रिकल का नहीं चाहिए होगा। लेकिन चूंकि पाकिस्तान है, देसी कल्चर है, तो यहाँ पर दूसरी बिजली से लाइव वायर्स वाली ले जाते हैं, बल्ब ले जाते हैं, तो उसके लिए फिर मल्टीपल आ जाएंगे। देन कन्फाइंड स्पेस की रिक्वायरमेंट्स के वहाँ पे LEL कितनी है, CH4, H2S, ऑक्सीजन की क्वांटिटी, CO, CO2 ये भी मैयर होंगी, उस पर मैंशन करते हैं यूजिंग LEL मीटर। तो ये आगे कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ वर्क परमिट। इसी तरह एक और वर्क परमिट है कुछ कंपनीज में यूज होता है, वो हो जाता है हैवी मशीनरी का, यानी अगर क्रेन एक्टिविटी है तो परमिट चाहिए होगा उसका, उसके लिए फिर पहले क्रेन की इंस्पेक्शन होगी और उसकी सेफ लोड लिमिट असेसमेंट होगी, देन उसको अलाउ किया जाएगा या फिर उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट्स को चेक किया जाएगा, फिर अलाउ करते हैं। तो ये कुछ 7 टाइप्स आ गई बेसिक। और इसके अलावा अगर कोई वर्क परमिट की है टाइप जो मैंने मिस कर दी है गलती से, तो आप मेरे कमेंट में वीडियो कमेंट में लाजमी मैंशन कीजिएगा। अब हम आ जाते हैं टाइप्स हमने पढ़ ली, इसके बाद जो इसका फ्लो है वर्क परमिट का वो क्या होता है, तो ये भी मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात करूंगा। किसी स्पेसिफिक पैटर्न या कह लें कि स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा, सिर्फ आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि कहीं पे आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपको बेसिक्स पता हो, या फिर जनरल नॉलेज के लिए आप कह लें। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, पहले आता है रिक्वेस्टर, देन इशूअर, रिसीवर। ठीक है, रिक्वेस्टर वो जिसने वर्क परमिट की रिक्वेस्ट रेज की कि ये मेंटेनेंस का काम होना है तो काइंडली ये वर्क परमिट इशू किया जाए। इशूअर वो जिसने फाइनल साइन किए और वर्क परमिट इशू किया और इजाजत दी काम करने की कि हाँ ये काम कर लिया जाए, मैंने सारे सेफ्टी मेजर्स चेक कर लिए, इंश्योर कर लिया कि सेफ्टी मेजर्स फुलफिल है और किसी किस्म का हैजर्ड नहीं है। रिसीवर, अब वर्क परमिट जो रिसीव करता है फाइनली, जिसने जॉब परफॉर्म करनी है जिस टीम ने, वो रिसीवर की कैटेगरी में आ जाएगी कि ये समय वर्क परमिट मिल गया है, इसका मतलब कि वहाँ पे एग्जिस्टिंग सेफ्टी हैजर्ड्स जो हैं वो कंट्रोल कर लिए गए, नाउ वी हैव टू परफॉर्म द जॉब। लेकिन जॉब परफॉर्म करनी इस तरीके से है कि वहाँ पे कोई किसी किस्म का फर्दर हैजर्ड क्रिएट ना कर दें या रिस्क क्रिएट ना कर दें। तो रिक्वेस्टर, इशूअर एंड रिसीवर। वैलिडिटी, अब वैलिडिटी ऑफ वर्क परमिट, ये कितनी देर के लिए वैलिड होता है। वर्क परमिट वैसे जो है ना 8 आवर्स के लिए वैलिड होता है, 8 आवर्स के बाद जो है मैक्सिमम 4 आवर्स के लिए एक्सटेंशन की जा सकती है। वैसे कुछ मोस्टली या फिर कुछ कंपनी जो है वो एक्सटेंशन ही देती है, वो 8 आवर्स के बाद वर्क परमिट को क्लोज कर देती है और फिर नया परमिट इशू करती है। लेकिन कुछ कंपनी जो है कहते हैं कि 8 घंटे के लिए वर्क परमिट इशू है, इन केस अगर जॉब कंप्लीट नहीं हुई तो 4 आवर्स की एक्सटेंशन मिल जाएगी, बट 12 घंटे से ज्यादा जो है ना वर्क परमिट नहीं होता, क्रॉस 12 घंटे से नहीं होगा। तो जब वर्क परमिट कंप्लीट कर लिया जाता है, ये वर्क आपका काम हो जाता है, सॉरी वर्क परमिट पे जो मेंशन है जॉब आप कंप्लीट कर लेते हैं, देन जो रिसीवर होता है वो इश्यूअर के पास आता है फॉर क्लोजिंग। क्लोजिंग वर्क परमिट को क्लोज करना है, तो जो
एरिया कस्टोडियन होते हैं, जो इश्यूअर होता है वो जाके साइट को चेक करता है कि यस साइट जो है वो प्रॉपरली मेंटेन हो गई है और वैसी हाउसकीपिंग स्टोर होगी जैसी पहले थी काम करने से पहले, देन वो वर्क परमिट को क्लोज करता है। बट इन केस ऑफ लोटो वर्क, वो लोटो को रिलीज करता है, रिलीज करने से पहले कुछ स्टेप्स हैं, कुछ इंश्योर करनी होती हैं चीज़ें, जैसे कोई भी इक्विपमेंट या ह्यूमन बीइंग जो है वो मशीनरी के अंदर मौजूद तो नहीं है, तो ये वो सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके वर्क परमिट को क्लोज किया जाता है। क्लोजिंग के ऊपर फिर ये मार्क्स दे दी जाती हैं, यस हाउसकीपिंग हैज बीन स्टोर्ड, मशीनरी हैज बीन स्टोर्ड, तो वो फिर इन्फॉर्म कर दिया जाता है ताकि वो मशीनरी को दोबारा चला सकें। तो ये एक वर्क परमिट अब क्लोज हो चुका है। सो दिस वॉज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग टू द वर्क परमिट सिस्टम या परमिट टू वर्क सिस्टम। तो आई होप आप इस वीडियो को देखेंगे और कमेंट करें, जो अगर कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है या गलत गाइड कर दी तो लाजमी कमेंट करके हमें बताएं। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे बहुत जल्द। बाय बाय।